आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस है और इसे लेकर पूरे देश भर में आज अलग अलग जगहों पर झंडोत्तोलन किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो बरवड्डा के दामकड़ा पंचायत में भी आज यहां पर झंडोत्तोलन किया गया है। तमाम पंचायत के जितने लोग हैं वो यहां पर मौजूद रहे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक सिंह को बुलाया गया, उनके द्वारा ही यहाँ पर झंडोत्तोलन किया गया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए हैं। आइए हम बात करते हैं कि मुखिया और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अशोक सिंह से कि आज जितने भी देशवासी हैं, धनबाद वासियों ने क्या संदेश देना चाहते हैं। आज़ादी के इस पावन पर्व पे हम अपने दामकारा पंचायत के सभी साथियों का और तमाम देशवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। बहुत संघर्षों के बाद हमें यह आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को हमें अक्षुण बनाए रखना है, समाज में समरसता कायम रहे इसका प्रयास करना है, नफरत को मिटाना है, भाईचारे को कायम करना है। यही आज आज़ादी के पर्व पे संकल्प है हम लोगों का और हम चाहते हैं कि हमारा देश दुनिया में विश्व में अपना परचम लहराए। क्योंकि अनादिकाल से अगर हम देखें तो हमारा हिंदुस्तान सबसे ऊपर था और एक बार पुनः जिस प्रकार से देश में भाईचारा कायम हो रखा है तो कहीं ना कहीं हम फिर विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाने में कामयाब होंगे। और जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी इस आज़ादी को पाने के लिए, हम हर भारतीय का कर्तव्य है कि हम इसको अक्षुण बनाए रखें, इस आज़ादी का महत्व को समझें और समाज में समरसता कायम रखें। यही हमारा आज 15 अगस्त के दिन भारतवासियों के साथ देशवासियों को संदेश है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं इस पंचायत भवन में। हमारा देश आज 76वां वर्ष गांठ मनाने जाना शुरू हो गया है। विगत हम लोग 75वां वर्ष में थे, लेकिन अब जो है सो हम लोग 76 वर्ष में हमारी आज़ादी की हो गई है। हमें देश के विकास के लिए, हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे राज्य के विकास के लिए, हमारे देश के विकास के लिए सर्वप्रथम हमारे जितने भी युवा पीढ़ी हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि देश की विकास, देश की सेवा में सदैव तत्पर रहें, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें, खेल में भाग लें। सबसे अधिक बात है, बड़ी बात है कि वो पढ़ाई में रुचि लें ताकि हमारा गांव सुधर सके, हमारा देश सुधर सके। चाहता हूँ कि देश, पूरा गांव, मेरा पंचायत विकास की ओर बढ़े, यही मेरा संदेश है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर झंडोत्तोलन किया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर देशभक्ति गीत का आयोजन किया गया है, कुछ आदिवासी लोग भी आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ के मुखिया ने हमें बताया कि कोशिश है कि लोगों में एकता रहे। हमने जब कांग्रेस नेता अशोक सिंह जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एकता की मिसाल देना है, जिस प्रकार से भारत पूरे विश्व में एक अलग वर्चस्व रखता आया था, वापस से वही देखने को मिल रहा है। काफी भाईचारा है यहाँ के लोगों में, यानी कुल मिलाकर काफी ज्यादा उत्साह है। और पंचायत के जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, तमाम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं और काफी ज्यादा इन लोगों के अंदर उत्साह है। कार्यक्रम को देखने के लिए भी काफी लोग पहुंचे हुए हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। संतोष के साथ शाम्भवी सिंह, न्यूज़ 4।